एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू हाउसिंग कॉर्नर। जैसे कि पहले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म की थी कि रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइज वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेफ्रिजरेटर का पार्ट 2 का वीडियो। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे मैं किस तरह से रेफ्रिजरेटर को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, कौन सी कंटेनर यूज कर रही हूँ, कौन सी फ्रिज मेट यूज कर रही हूँ, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अभी मैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करूँगी। ये जो फ्रिज का टॉप कवर आप देख रहे हैं, इसे मैं अमेजोन से परचेज की हूँ और इसमें 6 यूटिलिटी साइड पॉकेट है। ये बहुत ही फ्रेंडली यूज्ड है, आप इजीली इसे क्लीन भी कर सकते हो। फ्रिज के टॉप कवर के ऊपर आप वेजिटेबल बॉक्स या फिर फ्रूट का बास्केट भी रख सकते हो एंड इसकी स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। गाइज, मैं यहाँ पर फ्रिज मेट यूज कर रही हूँ ताकि फ्रिज जल्दी ख़राब ना हो। अगर हो भी जाए तो आप मेट निकाल कर ईजीली इसे क्लीन भी कर सकते हो। ऐसे भी मैं अमेजोन से परचेज की हूँ और ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है। इसमें 6 पीसेस रहता है और बहुत ही मतलब चीप प्राइस में आपको मिल जाता है, आप ईजीली इसे बाई कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं वेजिटेबल स्टोर करने के लिए कुछ कंटेनर यूज कर रही हूँ और कुछ ट्रे यूज कर रही हूँ। इसे भी आप इजीली अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो एंड आपके पास अगर कंटेनर नहीं है तो भी आप इजीली टिश्यू पेपर से रैप करके भी मिर्ची या फिर धनिया भी रख सकते हो। ऐसे रखने से हमारा जो सब्जी होता है वो ज़्यादा दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। मैं फ्रिज में एग को ऑलवेज स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि गर्मी के सीजन में एग हम बाहर रखें तो इसे ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैं फ्रिज के अंदर इसे स्टोर करके रखती हूँ। सो ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट का कंटेनर जो कि मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस वर्क के साथ साथ घर के कामों का भी मैनेज करना पड़ता है। सो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ये फ्रिज में मैं हमेशा रखती हूँ। कॉलीफ्लावर और कैप्सिकम को मैं ऐसे एयरटाइट कंटेनर में रखी हूँ ताकि ये ज़्यादा दिनों तक स्टोर होकर रह सके। फ्रिज में सब्जी रखने के टाइम मैं ऑलवेज ऐसे एयरटाइट कंटेनर यूज करती हूँ। इसके अलावा मार्केट में वेजिटेबल बैग्स भी अवेलेबल है, आप उसे भी बाई कर सकते हो या फिर ऐसे कंटेनर में यूज कर सकते हो, बट आप प्लास्टिक मत यूज करिए। ये है अमूल चीज़ी स्प्रेड, इसे हम फ्रोजन स्नैक्स के साथ यूज करते हैं। ये जो बास्केट आप देख रहे हैं इसे मैं डीमार्ट से परचेज की हूँ और ये बहुत ही चीप प्राइस में मुझे मिला है, आप चाहे तो इजीली बाई कर सकते हो। मिर्ची रखने के लिए मैं कुछ इस तरह बॉक्स यूज कर रही हूँ ताकि इवन आफ्टर वीक्स वेजिटेबल बॉक्स कम्प्लीटली मेस फ्री रहता है एंड इवन ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होके रहता है। यहाँ पर मैं नींबू को कुछ इस तरह टिश्यू पेपर से रैप करके रख रही हूँ। सो ऐसे रखने से हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह की बास्केट जो आप देख रहे हैं ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसका लुक भी बहुत अच्छा है। ये है चॉकलेट सिरप और कोल्ड ड्रिंक्स, इसे आप स्टोर करने के टाइम इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करके इसे आप स्टोर कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सोया सॉस, चिल्ली सॉस एंड टमाटो सॉस, इसे भी आप रखने के टाइम इसकी एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक करके रखें। जब भी आप कॉर्न फ्रिज में स्टोर करते हैं तो आप इस तरह बास्केट यूज कर सकते हैं और इस तरह की टिश्यू पेपर रैप करके भी आप रख सकते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये है कुछ स्पाइसेस जो कि मैं डेली कुकिंग के टाइम यूज करती हूँ। इसे भी मैं इस तरह फ्रिज में स्टोर करके रख रही हूँ। अगर आपके पास एयरटाइट बॉक्स है तो आपके पास जितना भी स्पाइसेस है आप उसमें एयरटाइट बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे रखने से आपका जो मसाले है वो बहुत दिनों तक स्टोर होकर रहता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स रखने के लिए कुछ इस तरह की बास्केट यूज कर रही हूँ। इस तरह की बास्केट यूज करने से आपको वेजिटेबल्स रखने में या फिर निकालने में काफ़ी ईजी होता है। फ्रिज बड़ा हो या फिर छोटा हो, उसे हम अच्छे से रखा जाए तो उसमें अच्छी कैपेसिटी बनी रहती है और साथ ही में ऐसा लगता है कि हमारा जो फ्रिज है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन है। सो मेरे पास जितना भी फूड आइटम्स था मैं फ्रिज को फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और हम इस तरह फ्रिज में स्टोर करके रखने से लेफ्टओवर फूड के लिए काफ़ी स्पेस बच जाता है। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड शेयर कर देना एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।